हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्राची तिवारी फ्रॉम इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नाम की योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि 1,00,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये योजना लागू की जाएगी। एक तरफ जब पूरा देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, तब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल है जो बेरोजगारी के मामले में ऊपर आ रहा है। यहाँ पे अब रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। ये काम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता कौन सी नदी पर है? तो कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ एक शहर है जो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनगढ़। पश्चिम बंगाल में ही सुंदर वन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में ही मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई थी, और अभी जब मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन किया, तब उस टाइम पर पश्चिम बंगाल में सेल्फ स्कैन नाम का एक स्नेकर ऐप लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि चीजों को स्कैन की जाएगी, और ये खुद का मतलब कि इंडिया का डेवलप किया हुआ ऐप है। इसका नाम है सेल्फ स्कैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने अभी जल्द में ही जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है, इसके उल्लंघन करने वालों को, यानी कि जो लोग उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना लगा दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोविड-19 प्रोटोकॉल क्या है। ये जो रूल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और एक दूसरे के करीब ना जाना, भीड़ ना इकट्ठा करना, ये जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, इनका जो भी उल्लंघन करेगा उसे उड़ीसा राज्य सरकार ने उस पर जुर्माना लगाया, और जुर्माने में 2 साल की जेल और 1,00,000 रुपए जुर्माना, ये इतना उसको सजा के तौर पर दिया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक को ही अभी जल्दी में हीरो टू एनिमल नाम का एक अवार्ड दिया गया था। ये मैंने आपको कई बार बताया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा में ही जो है मो जीवन प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई थी। उड़ीसा में ही सतकोरिया टाइगर रिजर्व है और सिंपली पाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में ही गरीहट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। उड़ीसा में एक द्वीप है वेलर द्वीप, जिसका नाम बदल के अब रख दिया गया अब्दुल कलाम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम। 1912 ईस्वी में एक कवि थे लक्ष्मी महापात्रा, उन्होंने जो वंदे उत्कल जननी नाम की जो कविता लिखी थी, उससे जो उत्कल जननी शब्द है उसे अब उड़ीसा के राज्य गान में शामिल कर लिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा राज्य का जो हाई कोर्ट है, वहां के नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है जो उड़ीसा राज्य से है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माइक्रोवेव डिजाइन अतुल्य किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने माइक्रोवेव
डिवाइस अतुल्य लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर कौन बने हैं? इसका सी ऑप्शन सही है, ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जो है ये अभी जो फोर्ब्स की नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2020 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बने हैं। अगर यहां पे जो और भी ऑप्शन है उस पर अगर डिस्कस करें, जो ऑप्शन नंबर डी है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस लिस्ट में 6 नंबर पर हैं। फोर्ब्स की जो नई लिस्ट आई है उसमें 6 नंबर पर हैं और अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीके मेनन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पत्रकार। जीके मेनन एक खेल पत्रकार थे और इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज में काम किया है और काफी अच्छा काम किया है और इनका अब निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, प्रमोद वसीम। प्रमोद वसीम को ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चेतुआ योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने चेतुआ योजना का शुभारंभ किया। ये योजना जो है ये एससी एसटी इन सभी लोगों के लिए है। इसमें क्या होगा कि जो 45 साल से लेकर के और 60 साल के बीच में लोग हैं उन लोगों को 75,000 रुपए दिए जाएंगे और एक कब दिए जाएंगे, 4 साल के अंदर। यानी जितने भी लोग 45 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक हैं उनको 4 सालों के बीच में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार 75,000 रुपए देगी। ये क्यों देगी? उनकी स्थायी जीविका के लिए, यानी वित्तीय सहायता के रूप में। और इस योजना का नाम है चेतुआ योजना। ये काम आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बन गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। और ये जो 3 राजधानियां बनाने का जो प्रस्ताव था इसको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने पारित किया था। आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन का शुभारंभ किया गया था। इसमें क्या होगा कि जितनी भी मलिन एरिया है वहां पे हाथ धोने की आदत को डेवलप करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। आंध्र प्रदेश में ही नवर नालू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और आंध्र प्रदेश में ही जगन्या विद्या देवी योजना का शुभारंभ किया गया था। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के लिए 3.1 मिलियन डॉलर ने अपनी सबसे बड़ी ऋण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। जापान ने अभी बांग्लादेश को 3.1 मिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़ी ऋण को मंजूरी दी है। अब ये जो ऋण दिया गया है वो बांग्लादेश को दिया गया है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के पीएम है शेख हसीना।
अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको हर बार बताती हूँ और ये हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, यानी कौन सा अभ्यास होता है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है संप्रदि एक्सरसाइज और इस बार ये भारत के मेघालय राज्य में हुई थी। बांग्लादेश ने ही मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और अभी जल्दी में आंध्र प्रदेश ने बांग्लादेश को सूखी मिर्च दी गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मोएरा केला को GI टैग दिया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी है गोवा राज्य। गोवा राज्य में एक केले की वैरायटी है, मोएरा केला उसका नाम है और उसको अभी जल्दी में GI टैग दिया गया। ये GI टैग क्या होता है? एक किसी स्थान का, मतलब किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उत्पादन के लिए GI टैग बनाया जाता है। तो उसी लिए जो है गोवा राज्य के मोएरा केले को अभी जल्दी में GI टैग दिया गया है। गोवा की बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी, यहाँ के CM है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और गोवा का जो गठन हुआ था, यानी जो राज्य बना था, वो 1960 ईस्वी में बना था। गोवा में मात्र 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा RBI। RBI ने पॉजिटिव पे नामक एक सुविधा शुरू की है। RBI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है मणिपुर। मणिपुर में अभी जल्दी में पैट्रियट्स डे मनाया गया। मणिपुर का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 ईस्वी में और मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, यहाँ के CM है डॉक्टर नमजा हेदुम अल्लाह और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है NV सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है असम। असम राज्य सरकार ने अभी जल्दी में अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने शेयरिंग फीचर नियर बाई नाम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा गूगल। गूगल ने एक फाइल शेयरिंग फीचर है जिसका नाम है नियर बाई, इसको लॉन्च किया है। गूगल के प्रेजेंट टाइम के CEO हैं सुंदर पिचाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक पंच का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है भारत देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने, जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं यानी कि जितने भी ईमानदार टैक्स वाले हैं उन सभी के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक मंच का आयोजन किया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग ईमानदारी से कर्ज चुकाते हैं उन सभी के सम्मान के लिए इस मंच का आयोजन किया गया है और अभी जल्दी में यानी कि कल ही भारत देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ादी मिली थी और उसी की अभी जल्दी में वर्षगांठ मनाई गई है। भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये थे आज के सभी करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए। अब बताते हैं आपको कल का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि योजना की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़।
आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस बनाया। इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शन चुन के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आंसर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पता हैं वो सारी चीजें डिटेल में लिखनी है। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, उसकी लिंक दी गई है, आप यहाँ पर टैप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी वीडियोज की पीडीएफ फाइल आपको एक जगह मिल जाएगी।